हेलो एवरीवन, मैं हूं नैंसी एंड यू आर वाचिंग makeiteasy.com। तो जो आज का प्रोडक्ट है वो है क्लासिक का फोल्डिंग मॉस्किटो नेट। ये काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है, तो मैं आज आपको इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एज वेल एज रिव्यू दोनों करके दिखाऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगी। हम जो घर में मॉस्किटो लिक्विड्स यूज़ करते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कॉइल्स, वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इनफैक्ट दे एक्ट एज अ स्लो पॉइजन फॉर आर बॉडी, सो डेफिनेटली वी शुड अडेप्ट मोर नेचुरल वेज टू स्टे अवे फ्रॉम मॉस्किटोज। तो चलिए अब हम प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ ही हम उसको रिव्यू भी करेंगे। ये प्रोडक्ट आप Amazon, Flipkart या डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी लिंक्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। तो चलिए क्लासिक मॉस्किटो नेट की अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने इस प्रोडक्ट को Flipkart से परचेस किया था। ये कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्स में डिलीवर हुआ था। मॉस्किटो नेट एक ब्लू कलर के कवर के अंदर आया था। क्लासिक का ये जो मॉस्किटो नेट है ये काफी छोटे से कवर में अकोमोडेट हो जाता है। चलिए अब हम इस कवर को खोलकर देखते हैं। जैसे ही हमने इसे ब्लू कलर के कवर के अंदर से निकाला था तो ये एक थिन प्लास्टिक की शीट में कवर्ड था। ये मॉस्किटो नेट बेसिकली एक राउंडेड रिंग्स के फॉर्म में फोल्डेड आती है। इसके साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलेगा, साथ ही आपको कुछ प्लास्टिक के स्टार्स मिलेंगे। यदि आपके मॉस्किटो नेट में छोटा सा होल हो जाता है या कट लग जाता है तो आप इन स्टार्स की हेल्प से इन मॉस्किटो नेट के जो होल्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स की हम सारी डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। फाइनली हम अपनी क्लासिक मॉस्किटो नेट को अब ओपन करते हैं। ये जो व्हाइट कलर की आप स्ट्रिप देख रहे हैं ये मॉस्किटो नेट की इनबिल्ट इलास्टिक है। हम इसे धीरे से बाहर की तरफ निकालेंगे जिससे मॉस्किटो नेट एक्सपैंड हो सके। अब हम इसे पूरा ओपन करते हैं। इनफैक्ट इलास्टिक हटाते ही ये अपने आप ही ओपन होना शुरू हो जाएगा। तीनों रिंग्स खुल जाने के बाद लास्ट में हमें ये ओवल शेप फोल्डेड नेट मिलेगा। पूरा खोलने के लिए हम इसे बीच से स्प्लिट करेंगे। अब ये जो सेंटर में स्ट्रिंग है उसे डायगोनली बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि इसे मैट्रेस पे कैसे सेट करना है और हम साथ में इसके डिटेल में फीचर्स भी देखेंगे। वैसे ये जो मैट्रेस आप यहाँ पर देख रहे हैं वो वेक फिट का ऑर्थोपेडिक फोम मैट्रेस है। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और इसकी लिंक मैंने ये आई बटन में दे दी है, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अंदर और बाहर दोनों साइड जिप दी गई है, हम इसे दोनों तरफ से खोल सकते हैं। सेम फीचर मॉस्किटो नेट के दोनों गेट्स पर है और इसमें डबल साइडेड जिप भी दी गई है। अब यहाँ पर कॉर्नर्स में इलास्टिक दी गई है जिसे आपको मैट्रेस के चारों कॉर्नर्स के नीचे इंसर्ट करना है, और फिर ये जो एक्स्ट्रा नेट दी गई है इसे भी मैट्रेस के नीचे इंसर्ट कर देना है जिससे नेट अच्छे से चारों साइड से सेट हो जाए। अब हम आपको अंदर से इसे दिखाते हैं। अंदर जाकर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कैंपिंग करने के लिए आए हुए हैं। ये इन्फेंट्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब हम दिखाएंगे कि इसे फोल्ड कैसे करना है। जितना आसानी से ये ओपन हो जाता है और सेट हो जाता है बेड पे, फोल्ड करना उतना आसान नहीं होगा इनिशियली। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद डेफिनेटली आप काफी जल्दी इसे फोल्ड कर पाएंगे। सबसे पहले हम सारे कॉर्नर से इलास्टिक और नेट को बाहर निकालेंगे जो हमने मैट्रेस के नीचे दबा दिया था। अब आप कोई भी एक कॉर्नर ले लीजिए और फिर डायगोनली अंदर की तरफ थोड़ा सा फोर्स लगाइए। दोनों तरफ जो गेट है उनकी जो जिप है वो भी हमें क्लोज कर देना है फोल्ड करने से पहले, और फिर ये सामने वाली पैरेलल वायर स्ट्रिप के साथ सेम लाइन में आ जाएगा। अब हमें ये जो दो साइड्स मिलेंगे उन्हें हमें मिला देना है और फिर हमें ये एक ओवल शेप ऐसा मिल जाएगा। अब हमने ओवल की दोनों साइड्स को पकड़ना है और अपनी तरफ इसे थोड़ा मोड़ना है, और दोनों साइड्स को मिलाते हुए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें कुछ इस टाइप का एक शेप मिलेगा। ट्विस्ट करने के बाद हमें ये तीन सर्कल्स जैसे मिलेंगे और हमें एक के ऊपर एक इन्हें सेट करना है जिससे कि ये कवर में इजीली आ सके। पहले हम नीचे के जो दो सर्कल्स हैं उनको ओवरलैप करेंगे, फिर ऊपर वाला जो सर्कल है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ओवरलैप सर्कल्स के ऊपर रख देंगे। अब आप चाहे तो इलास्टिक लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही कवर के अंदर नेक्स्ट यूज के लिए इसको रख सकते हैं। अब हम इसके कुछ केयर इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं।
यदि आपके नेल्स लंबे हैं तो इसे काफी संभाल कर हैंडल करें। सबसे पहले आप इसे शार्प चीजों से दूर रखें। जब भी मॉस्किटो नेट के गेट की जो जिप है उसको जब भी हमें क्लोज करना हो या फिर ओपन करना हो तो ध्यान रहे जो नेट है वो कहीं पर भी जिप में फंसनी नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें होल हो सकता है, वो फट भी सकती है। और किसी भी स्टेप में चाहे वो खोलते वक्त हो या फिर फोल्ड करते वक्त हो, आपको मॉस्किटो नेट के ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है। फोर्स लगाने से ऐसा हो सकता है कि जो मैटलिक वायर इसके अंदर यूज किया गया है वो अपना शेप चेंज कर ले। अब हम इसके वॉश केयर इंस्ट्रक्शंस भी देख लेते हैं। इसे आपको पूरा फोल्ड करके ही वॉश करना है और फोल्डेड ही आपको इसे ड्राई करना है। इसको वॉश करने के लिए किसी भी टब में नॉर्मल वाटर या फिर हल्का गुनगुना पानी आप ले लीजिए, उसमें माइल्ड डिटर्जेंट या फिर लिक्विड डिटर्जेंट को मिक्स कर दीजिए। फिर आप इसे 30 मिनट्स के लिए सोक होने दीजिए। सोक होने के बाद आप इसे क्लीन वाटर से रिंस कर सकते हैं। यदि कोई स्पॉट है तो आप स्पॉन्ज की हेल्प से एकदम हल्के हाथों से उसे क्लीन कर सकते हैं। ब्रश का बिल्कुल भी यूज मत करिएगा और बस इसे रिंस होने के बाद सनलाइट में फोल्डेड ही ड्राई होने के लिए रख दीजिए। ओवरऑल प्रोडक्ट काफी यूजफुल है, अच्छा है, बस प्राइस वाइज थोड़ा इम्प्रूवमेंट और हो सकता है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को प्लीज प्लीज इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।